दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को खतरनाक बॉलर मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन 31वें ओवर में भंसने के बाद जसप्रीत बुमराह ने गुस्से में चटकाई 5 विकेट लगातार और पूरे मैच में 6 विकेट लेकर पलट दिया हारा हुआ मुकाबला। कुलदीप यादव भी पूरा किया बदला। आखिरकार भारत की पूरी गेंदबाजी का वीडियो आपको दिखाएंगे तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन का मैच सफलतापूर्वक खेला जा चुका है। आज जब खेल शुरू हुआ तो 179 रन से आगे जायसवाल ने खेलना शुरू किया और उनका साथ दे रहे थे रविचंद्रन अश्विन। टीम इंडिया ने लगातार दूसरे दिन अपना दबदबा कायम रखा। बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया। वहीं जसप्रीत बुमराह ने अंग्रेज बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। उन्होंने 6 विकेट लेकर भारत को बड़ी बढ़त दिलाई। भारतीय टीम दूसरे दिन पहली पारी में 336 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके बाद इंग्लैंड को उसने 253 रन पर सिमट दिया। इस तरह पहली पारी में टीम इंडिया को 143 रन की बढ़त मिली। दूसरी पारी में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने खेल समाप्त होने तक बिना नुकसान के 28 रन बना लिए हैं। दोस्तों भारत ने पहले दिन के स्कोर 6 विकेट पर 336 रन से आगे बल्लेबाजी करना शुरू किया। यशस्वी 179 और रविचंद्र अश्विन 5 रन बनाकर नाबाद थे। दूसरे दिन आउट होने वाले पहले बल्लेबाज अश्विन थे। उन्होंने अपने स्कोर में 15 रन और जोड़े। वह 37 गेंद पर 15 रन बनाकर जेम्स एडरसन की गेंद पर विकेट कीपर बेन फोकस को कैच थमा बैठे। भारत को 7वां झटका 364 रन के स्कोर पर लगा। अश्विन के बाद बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव उतरे। इसी बीच यशस्वी ने अपने टेस्ट कैरियर का पहला दोहरा शतक पूरा कर लिया। यशस्वी 209 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 290 गेंदों का सामना किया। यशस्वी ने अपनी पारी में 19 चौके और 7 छक्के लगाए। उन्हें भी एडरसन ने अपना शिकार बनाया। अब भारत का स्कोर 8 विकेट पर 383 रन हो गया। यहां से टीम इंडिया ने 13 रन और जोड़े। इसके बाद 9वां झटका जसप्रीत बुमराह और 10वां झटका मुकेश कुमार के रूप में लगा। बुमराह 9 गेंद पर 6 रन बनाकर रेहान अहमद का शिकार बने। वहीं मुकेश कुमार को शोएब बशीर ने जोरूट के हाथों कैच कराया। वह खाता भी नहीं खोल पाए। कुलदीप यादव 8 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के लिए एडरसन, बशीर और रेहान ने 3-3 विकेट लिए। टॉम हटली को 1 सफलता मिली। इस तरह भारत ने दूसरे दिन अपने पहली पारी में 60 रन और जोड़े। इंग्लैंड की टीम हैदराबाद टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की थी। इससे ऐसा लग रहा था कि यहां भी वह कुछ कमाल दिखा पाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लिश टीम की पारी को 300 रन तक भी नहीं पहुंचने दिया। इंग्लैंड के लगभग सभी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन यहां रोहित शर्मा की टीम ने किसी को भी बड़ी पारी नहीं खेलने दिया। इंग्लैंड के लिए जैक क्रोली ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए। कप्तान बेन स्टोक्स ने 47 रन का योगदान दिया। जॉन बेरेस्टो 25, ओली पॉप 23, बेन डेकेट और टॉम हॉटली 21-21 रन बनाकर आउट हुए। दिग्गज बल्लेबाज जरूर फिर से फेल हो गए। वह सिर्फ 5 रन ही बना सके। बेन फोकस, रेहान अहमद और जेम्स एडरसन ने 6-6 रन बनाए। शोएब बशीर 8 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके और अक्षर पटेल को 1 सफलता मिली। दोस्तों बुमराह की बॉलिंग और जायसवाल की बैटिंग से खुश हो तो अपने नीचे कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।